प्रेरणा कथा। आशा मत कर। एक बार एक योगी, एक पुजारी और एक बहुत ही धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति एक स्थान पर बैठे धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। तीनों बढ़ा चढ़ाकर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो प्रभु के लिए कितना कुछ बलिदान कर देते थे। योगी ने कहा, दिन भर कमाई करने के बाद मैं जमीन पर लकड़ी से एक व्रत खींच देता हूँ और अपने कमाए हुए सारे पैसे हवा में उछाल देता हूँ। जो पैसे गोले के अंदर गिर जाते हैं वो मैं प्रभु को चढ़ा देता हूँ और गोले के बाहर गिरे हुए पैसे मैं अपने लिए रख लेता हूँ। पुजारी ने कहा, मैं भी जमीन पर गोला बनाता हूँ और दिन भर कमाए हुए पैसों को हवा में उछाल देता हूँ। जो पैसे गोले के अंदर गिरते हैं वो मैं अपने लिए रख लेता हूँ और जो गोले के बाहर गिरते हैं वो मैं प्रभु को चढ़ा देता हूँ। अब उस धार्मिक व्यक्ति की बारी थी। उसने कहा, मैं तो कोई गोले नहीं बनाता, मुझे दिन भर जितने भी पैसे मिलते हैं मैं हवा में उछाल देता हूँ। मैं प्रभु से कहता हूँ कि उनको जितने चाहिए वो ले लें, जो नीचे गिर जाते हैं वो मैं ले लेता हूँ। मित्रों, आपने देखा कि योगी और पुजारी तो फिर भी थोड़ा सा दान पुण्य करते हैं, परंतु ये चतुर धार्मिक व्यक्ति तो बस दिखावा करता है। हम जब भी कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है। बहुत से धार्मिक लोग उस धार्मिक व्यक्ति की तरह ही होते हैं। ऐसे दिखावा करने वाले धार्मिक लोग जानते हैं कि वो जो कुछ भी ऊपर फेंकेंगे वो वापस आ ही जाएगा। वो लोग कोई भी काम आशा से करते हैं और फल को हमेशा ध्यान में रखते हैं। सच्चा धार्मिक व्यक्ति वो होता है जो फल की आशा नहीं करता और उसके पास जो कुछ भी अधिक होता है वो ज़रूरतमंद लोगों में बांट देता है। अगर हमारे पास कोई भी वस्तु हमारी आवश्यकता से अधिक हो तो उसको ज़रूरतमंदों के साथ बांटना चाहिए, परंतु बदले में किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप देना सीखिए, आप देखेंगे कि आप देते देते कभी खाली नहीं होंगे और आपके भंडार और भी भरते ही चले जाएंगे। यही है सेवा का रहस्य। अगर आप में क्षमता है और आपके पास अतिरिक्त साधन हैं तो बिना बदले में कुछ पाने की आशा किए औरों की मदद करने की कोशिश तो कीजिए। देखिएगा कि आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।